मुगल दौर में बहुत सारी सराय बनी हैं, बहुत सारे महल बने हैं, बहुत सारी इमारतें किले बने हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही सराय घुमाने वाले हैं जो कि बिल्कुल हाइड है। तो ये सराय घुमाने वाले हैं हम आपको और इसके बारे में बताने वाले हैं बहुत सारी बातें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसका नाम है शाहजी सराय महल और ये देख सकते हैं आप, ये हर उसके अंदर जो है कब्र बनी हुई है। ये देखिए कमरे के अंदर जो कमरे होंगे पहले, और इधर की साइड देखेंगे हम तो इधर भी देखिए कब्र बनी हुई है। और ये देख सकते हैं आप छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं और इसके अंदर ये काफ़ी बड़ा परिसर है एक। और यहाँ पर भी अगर हम जाएंगे तो कब्रें बनी हुई नज़र आएंगी। और ऊपर की तरफ एक गेट है बहुत ही आलीशान। पहले चलते हैं सामने की तरफ, तो इस साइड से चलते हैं और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह का है। हालाँकि हर कमरे में कब्र नज़र आएगी आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी कब्र है और इधर की साइड जो है कब्रें नहीं हैं। ये सराय होती थी, सराय में जो है ट्रेवलर जो होते थे या फिर मेहमान होते थे वो सब लोग रुकते थे, ये देख सकते हैं आप। और इधर के साइड जाएंगे हम तो पूरा आर्किटेक्चर जो है ये चारों तरफ से सेम है एकदम। ये देखिए चकोर है एकदम और मेहराब बने हुए हैं। इसका मेन गेट वो है सामने और इधर की तरफ देख सकते हैं आप, ये जो है इसी सराय में लोग बताते हैं कि मस्जिद हुआ करती थी। ये देखिए ये रहा पश्चिम की ओर किबले रुख और ये रहा देखिए इसका एरिया पूरा, ये मेहराब बने हुए हैं और ये पश्चिम की ओर एरिया और इधर की साइड ये देख सकते हैं आप। तो ये सराय है और इसके अंदर ये सराय के अंदर मस्जिद है। और बाहर से लुक देखेंगे हम इसका तो कुछ इस तरह का है, ये देखिए ये और ऊपर गेट है। ऊपर की तरफ और चलते हैं, ये देखिए ये झरोके दिलाते हैं मुगल दौर की याद। ये देखिए शाहजी सराय महल जो कि होशकाज और मालवीय नगर के बीच में है एकदम। आप मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं इसे घूमने के लिए। ये सराय जो बनी थी ये बनी थी मुगल दौर में और जो यहाँ पर ट्रेवलर होते थे, ट्रेवल करने के लिए आते थे इंडिया में या घूमने के लिए आते थे या फिर मेहमान होते थे शाही मेहमान, उनको ऐसी सरायों में रखा जाता था इस तरह से। यानी जो मेहमान होते थे उनको इन सरायों के अंदर रखते थे। यहाँ से देख सकते हैं आप इसके ये तीन पिरामिडीय गुम्बद और एक सुंदर सा गेट और यहाँ से जाता है इसके रास्ता ऊपर। ऊपर की तरफ चलते हैं, ये रही सीढ़ियों पर जाने के लिए। और हम आ चुके हैं इसकी छत के ऊपर और यहाँ से अगर आप देखेंगे इसका लुक और आर्किटेक्चर तो एकदम चकोर है। ये देखिए पहले चलते हैं गुम्बद की तरफ, ये तीन गुम्बद पिरामिड शेप में जो बने हुए हैं ये देखने के लिए। ये देखिए सब आपको इसमें कब्रें नजर आएंगी ज़्यादा और आर्किटेक्चर और लुक किस तरह का है। ये देखिए, ये देखिए इस सराय के आलीशान गुम्बद, ये देख सकते हैं आप एकदम पिरामिडीय शक्ल है। ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है और बीच का गुम्बद है ये, और आगे वाला गुम्बद जो है ये देख सकते हैं आप ये भी थोड़ा छोटा है। ये देखिए लाइन से तीन गुम्बद और वो रहा गेट। अब गेट की तरफ चलते हैं। अगर इसकी हम तारीख की बात करें तो ये मुग़ल दौर की है, यानी मुग़ल दौर में बनी है, लेकिन पक्का नहीं पता कौन से बादशाह के दौर की बनी है ये। बस इसके बारे में इतना ही मिलता है, ये अकबर के बाद बनी है, या तो जहांगीर के दौर में या फिर शाहजहां के। ये आ गया इसका भव्य गेट, ये देख सकते हैं आप, ये बने हुए हैं झरोके चार जो कि मुग़ल दौर की याद दिलाते हैं। और ये आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप इनका, किस तरह के कलश बने हुए हैं, नक्काशी है। और ये गेट, ये देखिए पिलर हैं इसके अंदर और ये देख सकते हैं आप, ये रहा अंदर से। और इसका गुम्बद ये देखिए नक्काशी हुई हुई है इसके गुम्बद पर और इस तरह से। ये रहा इसका गेट, पीछे की तरफ देखेंगे तो जंगल नज़र आएगा सारा। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर का व्यू पूरा किस तरह का है, हालांकि लोगों ने इसे नाम लिख लिख के ख़राब कर दिया है बहुत ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, ये दिल्ली का एक हाइट पैलेस है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं घूमने के लिए और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इस सराय के बारे में। तो हमने इसके बारे में आपको बताया कि मुग़ल दौर की है लेकिन पक्का नहीं पता किसने बनवाई है। तो ये सराय देख के और इसके अंदर कब्रें हैं बहुत सारी लोगों की। और ये पीछे की तरफ ये देखिए पिरामिड, ये एक अलग आर्किटेक्चर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं इस तरह के गुम्बद। और पीछे की तरफ ये गेट। तो इस सराय के बारे में जान के और ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए इसी तरह के हाइड पैलेस जो हैं उनके वीडियो लाते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको इनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय। और सराय छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, ये दिल कर रहा है कि थोड़ा और रुकूँ, लेकिन अब चलते हैं कहीं और किसी और लोकेशन पर और ढूंढते हैं कोई और हाइड पैलेस। ये देखिए मुझे गेट भी बहुत पसंद आया और ये गुम्बद भी बहुत पसंद आई इसकी। और ये कब्रें जो हैं सब जितनी भी इसके अंदर दफन है लोग, ये सब
शाही लोग होंगे तभी इनको दफन किया गया इस परिसर में। हमारे शॉर्ट वीडियो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, नोमाडिक ब्लॉग के नाम से है इंस्टाग्राम पे, और हम उसको जो है शॉर्ट डालते हैं रोज। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं किसी और लोकेशन पे।